विरावासी फूल मालाओं से क्रमजोशी से स्वागत कर रहे हैं। और आप सबको जानकर पता होगा, सचिव के पद को सुशोभित करते हुए, अपने इलाके की सेवा करते हुए आज सभी इस बात इस मुकाम तक पहुंचे हैं। श्री राम किशन जी फौजी, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, आप सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद से आज कांग्रेस की नेता और सभी गांव के नौजवान और हमारे बुजुर्ग इनका पहुंचने पर तय दिल से स्वागत करते हैं। एक तो क्योंकि हल्का आसमानी खेला सबसे आज दो तीन योजना पहले इतना पीछा था, बिजली के पोलों की आवश्यकता है, कृपया ये करने का कष्ट करें। गांव में 3 ट्रांसफॉर्म की जरूरत है और हमारे जो 4 दीवारी पक्की की जाए और हमारे प्लास्टिक पाइप जो कम रहने के कारण 3 किलोमीटर से अधिक हो जाए तो पसीना गलमरदार साहब रावे देर देर लो है बोझी बिजली है कौन करोगे बोझी बिजली। दिक्कत क्या आ गई, हरियाणा के पूरे पहाड़ बंद है और खास करके जो पहाड़ जो खाने का पहाड़ था, हमारा जो पत्थर आता था वो पत्थर आने वजह कोर्ट में एक मैटर है, वो पत्थर बंद होने की वजह से काम रुके। और हम ये चाहते हैं मुख्यमंत्री के सामने रखें, जो खानक का पहाड़ जल्दी खुल जाए, हमारे विकास काम शुरू हो जाए और 12 तारीख को धरना दे और वहां सारी मांग रखे मंजूर करवाओ ताकि अपने गांव का विकास हो, मेरी मंशा है। और भाई जो मोहम्मद घड़े आदमी जाने रैली में उसमें घड़े रुपये 7 करोड़ रुपये है, मुख्यमंत्री ने दे दिए 7 करोड़ रुपया ने, मैंने भी सोची है रैली का सब आना एक जो बड़ा काम करेगा उसका घड़े रुपये, थोड़ा काम करेगा तो थोड़े रुपये से बच देख ले कितने रुपये ले लेते हैं, जोर लगा 7 करोड़ रुपये भी यही दे दिए सीएम साहब रैली के नाम पर और 15 करोड़ रुपये उधर दे दिया मजदूर कर रहे हैं 7 और 15 22 करोड़ रुपये मिला कैसे मुझे लगा अपना काम कोई गली काची कौन रही। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और जो हमने 5 साल के कार्यकाल में जो विकास किया, जो आज हम लोगों के बीच जाके देखते हैं, चाहे गली की बात हो, चाहे नाली की बात हो, चाहे दूसरे हो स्कूल की बात हो जिसमें कमरे नहीं होते थे, या दूसरा और वाटर बक्स की समस्या थी उसका भी हमने निकाला है। तो मुझे लगता है कि इतनी भारी तादाद में जो भीड़ जो हम गाँव में दौरे के दौरान में जो लग रही है, तो मुझे ये लग रहा है कि वहाँ जो धराना के अंदर जो ग्राउंड है 6 एकड़ का वो छोटा पड़ जाएगा, 50,000 से ज़्यादा हाजिरी होने का मुझे अनुमान है। और जो समस्या है जो गांव के लोगों की, चाहे कहीं पैसे की जो दिक्कत है नहीं हमारे को, और चाहे कोई रोड की बात है या नया रोड बनाने की बात है या वाटर बक्स की कोई दिक्कत है, वो समस्या जितनी भी उनकी जो मांग है वो लेके मैं मुख्यमंत्री के समक्ष रखूँगा और उनको मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वो मांग मंजूर कराई जाएगी।